उसकी कुछ रीजंस थी जो हम बाद में आपको बताएंगे। अच्छा, जो प्रोफाइल से रिलेटेड है, तो मेरी जब मैं अप्लाई कर रहा था तो उस वक्त मेरी प्रोफाइल में कोई पब्लिकेशन नहीं थी। हाँ, CGPA थोड़ा सा अच्छा था, बट आई गेस ये मैटर नहीं करता इतना। और जब पब्लिकेशन ना हो तो आई गेस फिर प्रोफाइल ज़्यादा डिस्कस करने की, और इवन कि तब हमारे पास शायद आयल्स वगैरह भी नहीं था ना, आयल्स ना टॉपल था। तो हमने बस डिसाइड किया कि अब हम PhD करेंगे, और PhD हमने किसी अच्छी जगह से करनी है। और जो हमारे प्रेफरेंस में चीज़ें शामिल थी वो US था सबसे पहले, और उसके ओके बाद फिर मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कुछ ऑप्शंस थे, और साथ हमने चाइना का ऑप्शन भी रखा हुआ था। और फिर मैंने और इरफान ने बैठ के डिसाइड किया कि कुछ रीजंस की वजह से अभी हम 1 साल के लिए कहीं और नहीं जा सकते, तो हम फोकस करते हैं चाइना के लिए। और ओके फिर हमने चाइना में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया विदाउट पब्लिकेशन। मेरे पास भी पब्लिकेशन नहीं थी उस वक्त, और आई गेस इरफान आपके पास भी पब्लिकेशन नहीं थी। तो ये जो एक मिथ है लोगों की तरफ से बताई जाती है। सॉरी टू इंटरप्ट यू ऑन दिस। यहाँ पे ये जी। बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट ना बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यार हमारे पास पब्लिकेशन नहीं है तो यार हमारा हो जाएगा एडमिशन कहीं पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर। तो ये जो बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है विदाउट पब्लिकेशन, मैं अपना कुछ जिक्र नहीं करूंगा, आज आप पे फोकस रहूंगा कि विदाउट पब्लिकेशन इस बंदे ने चाइना में भी स्क्योर किया था, आई गेस कोरिया के अंदर भी किया था, और यस। न्यूजीलैंड के पब्लिकेशन आ गई थी या नहीं आई थी मुझे तब श्योर नहीं है। तक नहीं, पब्लिकेशन नहीं आई थी, मैंने एडमिशन जब सिक्योर किया था। हाँ जी हाँ जी। तो अब ना एक चीज जो मैं सनीस को स्टार्ट से दे रहे हम एमफिल से जानते हैं एक दूसरे को। हाँ, एक चीज जरूर है कि अगले को रिसर्च का पता है, जो एमफिल के दौरान जो टाइम गुजारा रहा है वो प्योर रिसर्च करते हुए ही हम लोगों ने टाइम गुजारा रहा, या स्पेसिफिकली मैं अनीस का अगर जिक्र करूँ तो रिसर्च का अगर जिस बंदे को एक्सपीरियंस है ठीक है, तो वो मतलब बगैर पब्लिकेशन के ये चीज़ें सारी अवेल कर सकते हैं। बिकॉज जब आपका इंटरव्यू होता है ना तो उसमें आप प्रूव कर लेते हैं कि ओके मुझे ये करना आता है, बेशक पेपर पब्लिश ना भी हो। ओके नाउ कैरी ऑन अबाउट द नेक्स्ट। अच्छा, अब इरफान, आई गेस कुछ क्वेश्चंस मुझे भी काफ़ी लोगों ने पूछे थे, इसलिए फिर मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि आप हम एक लाइव सेशन कर लेते हैं। जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं हम उनको स्टार्ट कर लेते हैं, और उसमें ऑब्वियसली हम अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करेंगे। और ये हम फिर बता रहे हैं कि हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, या हम कोई एजेंट नहीं है जो आपका एडमिशन करवा सकते हैं या आपको वीज़ा दिलवा सकते हैं। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको इससे कोई फ़ायदा होता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो सबसे पहले अगर हम आपको बताएं कि हम लोगों ने स्टार्ट कैसे किया था, तो देखें, जो स्टार्ट करना होता है ना किसी भी काम के लिए, ये काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे अगर केमिस्ट्री के लोग, हमें ऑब्वियसली केमिस्ट्री के लोग ही देख रहे हैं, तो आप लोगों को एक चीज़ का आइडिया होगा, एक्टिवेशन एनर्जी, कि वो एक बैरियर होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने का। तो जब वो बैरियर आप अचीव कर लेते हो ना, तो आपके लिए हर एक चीज़ बड़ी आसान हो जाती है। तो हमने भी जब स्टार्ट किया था, तो आई गेस फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में हमें बड़ा एक बैरियर था कि हमने क्या करना है, प्रोफेसर कैसे सर्च करने हैं, किसको ईमेल करनी है, रैंडमली तो ईमेल नहीं करनी, एट्सेट्रा, जो हम स्टार्ट में करते होते हैं। तो देन हमने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम अपनी फील्ड से रिलेटेड जो प्रोफेसर हैं, पहले उनको सर्च करते हैं, उनकी प्रोफाइल पढ़ते हैं, और फिर उनको ईमेल करेंगे। मैं स्पेसिफिकली अगर आपको अपना बताऊं, तो मैं अपनी कुछ मिस्टेक्स पे बताना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि शायद हमने कोई मिस्टेक कर ली, तो ये शायद हमारा उसके बाद एडमिशन नहीं होगा। तो मैंने जो फर्स्ट ईमेल की थी, और ये मिस्टेक हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि देखें, जब हम आपको मिस्टेक बताते हैं ना अपनी, तो आप उससे लर्न करते हो कि आपने वो मिस्टेक नहीं करनी। जैसे मैंने फर्स्ट ईमेल की अगस्त 2023 में, और वो मैंने की थी ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि मैं स्टार्ट मेरा ऑस्ट्रेलिया से हुआ था। और मैंने एक प्रोफेसर को ईमेल की, और मैंने उस पर काफ़ी टाइम लगा के ईमेल की थी, लाइक मे बी 1 हफ्ता लगा के फर्स्ट प्रोफेसर को ईमेल की। उसके बाद एक और प्रोफेसर थी, मैं उसका नाम मेंशन नहीं करना चाह रहा, अभी हमारी एक फेलो उसके पास PhD कर रही है, और वो काफ़ी अच्छी प्रोफेसर है। अच्छा, अब मैंने उसको ईमेल की, मैंने एक कवर लेटर बनाया जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया असल कि मैं क्यों PhD के लिए आना चाह रहा हूँ, और मैंने बहुत अच्छे से उसकी प्रोफाइल पढ़ी, क्योंकि उसके पास PhD की पोजिशन ओपन थी। और सब कुछ करने के बाद मैंने जो प्रीवियस ईमेल की थी ना प्रोफेसर को, वो मैंने कॉपी की, इधर आके पेस्ट की, ताकि मैं जो अपना इंट्रोडक्शन लिखूं कि मैंने MS यहाँ यहाँ से किया, और उसके बाद मैंने उस काम उसका रिलेट करवाया, सब कुछ कर दिया, बट मैं नाम चेंज करना भूल गया, और मैंने ईमेल कर दिया उसको।
खैर उसने मुझे रिप्लाई किया और उसने मुझे बड़ा पॉजिटिव रिप्लाई दिया, क्योंकि उसके पास उस वक्त मेडिसिनल केमिस्ट्री में कोई पोजीशन अवेलेबल नहीं थी. तो उसने मुझे कहा कि आई विल कंसीडर यू आफ्टर 6 मंथ व्हेन आई हैव फंडिंग. बट जब मैंने दोबारा ही मेल पढ़ी तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि नहीं, अब वो प्रोफेसर जिसको मैंने जिसके नाम से ई मेल नहीं की तो उसने मुझे किधर रखना है. तो आपने इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी. ये जो कॉपी पेस्ट वाला बताने का मकसद ये था कि जब आप ईमेल लिखें ना, तो हमेशा आप ईमेल हर एक प्रोफेसर के लिए खुद से लिखें और न्यू लिखें. इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी और आप इजीली किसी भी प्रोफेसर की प्रोफाइल को पढ़ के अपने कमेंट्स वहाँ दे सकते हो या आप अपनी प्रोफाइल को रिलेट करवा सकते हो. तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है ईमेल करना. तो उसके लिए आपको प्रोफेसर ढूंढने. मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, इरफान भी शायद इस चीज़ को देखेंगे, कि कभी भी आप लोग अपनी फील्ड से इररिलेवेंट जो लोग होते हैं उनको ईमेल मत करें. ऐसी है वो ऑप्शन, अप्रोच ही ना करें. आप एक काम ये करें कि आप ये मेरे ख्याल में पीएचडी को अवेल करना, अगर मैं अपना आपको बताऊं तो एक आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग जिसमें कुछ स्टेप्स हैं. सबसे पहले तो आप बैठें किसी जगह अकेले बैठ के सोचें कि आपने लाइफ में क्या करना है और आपके पास कितना टाइम है जिस टाइम में आपने पाकिस्तान से बाहर निकलना है. फर्स्ट स्टेप तो ये था जो मैंने और इरफान ने किया. आई गेस हमें याद पड़ता है कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे पास सिर्फ यही टाइम फ्रेम है. जी इरफान कुछ कहना. I want to add something here. You know, यस I यू कैन. or any type of government job, like any type of test, especially in AJKPSC or something like that, senior, junior teacher, lecturer, and like that. I know about you that you also never applied for that because our aim was totally clear that okay, we will go for the PhD to any other country. Okay, that was yes. our target. We came into MPhil. सो माइंड की क्लैरिटी बहुत मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. आप अगर ये सोच रहे हो कि नहीं हम गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करेंगे, ये भी करेंगे और साथ में जो है मेरे ख्याल में पीएचडी की अपॉर्चुनिटी भी गेन कर लेंगे, आई गेस वो कहते हैं ना टू बोर्ड का जो वो होता है वो मेरे ख्याल से चीज वर्क नहीं करती आई सपोज. एक्चुअली इरफान आप देखो ना, पीएचडी ये एक फुल टाइम जॉब है. जो लोग ये समझ के आते हैं ना, ये लेटर पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आप ये मत सोच के पीएचडी करने जाएं कि आपने पीएचडी भी करनी है और साथ आपने पैसे भी कमाने हैं. हाँ, आप पीएचडी, आपके पास एक गेटवे है, आप अच्छी पीएचडी करें, पीएचडी के बाद आप पैसे बहुत कमा सकते हैं. बट ड्यूरिंग पीएचडी अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हमने सिर्फ पीएचडी करने इसलिए जाना है कि हम ज़्यादा पैसे कमाएं और कम फोकस करें पीएचडी पे, तो ये तो इट वॉन्ट वर्क फॉर एनी वन ऑफ यू. सो ये जो माइंड की क्लैरिटी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले आप लोग, जो हम लोगों का एक काम था जो हमने किया था कि हमने एक प्लान किया था और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने वाइजली कंट्री को चूज किया. बिकॉज एट दैट टाइम मेरे और इरफान दोनों के पास आई गेस ना आइल्स था ना टॉफल था, ऐसे ही है. और हमारे कुछ मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि हमने जब देखा, हमारे के कुछ फेलोज ऐसे थे जो यूएस का कर रहे थे और ऑब्वियसली हमारा भी प्लान यूएस का था या ऑस्ट्रेलिया वगैरह का, बट हमारे पास उस वक्त इंग्लिश टेस्ट नहीं था. तो हमने कहा इससे बेहतर है कि हम बाकियों में ट्राई करें, हम पहले एक पोजीशन सिक्योर करते हैं चाइना में. और चाइना जाने से पहले हमारा भी वही एक गलत कॉन्सेप्ट था जो बाकी लोगों का है. जो लोग पाकिस्तान में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिलता वह चाइना चला जाता है, चाइना की रिसर्च फेक है, चाइना पता नहीं ये करता है वो करता है. ऑनेस्टली ये सारी चीजें हमारे माइंड में भी थी और हम भी वहां जाने से पहले ये बातें करते थे, जो कि गलत बात है. लाइक इसके बावजूद हमने कहा कि हमारे पास क्योंकि लिमिटेड बजट है, बड़ी मुश्किल से हम कोई 2-3 लाख अरेंज कर सकते हैं, वो भी हम किसी अपने दोस्त से लेके जाएंगे. तो इसके लिए सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी है? तो हमने कहा अच्छा इसके लिए सबसे बेस्ट कंट्री फिर पाकिस्तान से चाइना ही जाना है, जहाँ की फ्लाइट भी बड़ी सस्ती है. अब फिर हमारा टारगेट हो गया, हमने एक गोल सेट कर लिया कि अब हमने चाइना के लिए जाना है, बाकी किसी कंट्री के लिए नहीं जाना. तो वो हमारी प्रेफरेंस थी. और फिर प्रेफरेंस ये थी कि हमने शायद ये डिसाइड किया था अक्टूबर या नवंबर में, राइट? मुझे टाइम एग्जैक्ट याद नहीं है. और फिर हमें ये पता था कि अब हमारे पास सिर्फ 2 मंथ हैं और विद इन 2 मंथ हमने स्कॉलरशिप अवेल करनी है. अब चाइना का प्रोसीजर एक ये है कि आपको जब हम थे तो हमें ये बताया गया था कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर लेना लाजमी है फॉर एडमिशन, जो कि आई गेस इरफान आप शायद आप एग्री करेंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑब्वियसली ये बात ठीक है, बट बहुत से केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं
कि जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं था बट उन्होंने उस पोजीशन के लिए अप्लाई किया था और उनके एडमिशन हो भी गए. I know one of my class fellow actually she's doing PhD from another university in China and she came here without acceptance letter and I want to share something that I know the two other people who had an acceptance letter, you know, but still they did not get even this year too, you know. Exactly. I know. Passed it back in 2022, they did not get scholarship. So what does it mean that if you don't have a acceptance letter, you can still apply to the university? You know, see, there is no application fee most of the universities in China, okay? And also there is no application fee to apply for the CSE scholarship or Shanghai Gomer scholarship or any sort of scholarship. So you just need to put your all, you know, application material into their online system and you can wait for the result if you don't have a Exactly. Actually, the most important thing is if you want to play something, you have to in. हम अगर आपने बाहर से बैठ के अगर कमेंट करने या बाहर से बैठ के आप ये देखोगे कि हम कंपटीशन में आ गए तो नो, आपको खुद को उठा के फेंकना है कंपटीशन में. आप ग्राउंड में उतरोगे उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि आप कितना तेज भागते हो. हो सकता है आपको रिजेक्शन भी मिले, हो सकता है आपको एक्सेप्टेंस भी मिले, बट ये जो रिजेक्शन है, रिजेक्शन डजंट मीन कि बस आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है और आप एडमिशन नहीं ले सकते. इट मीन्स कि आपकी प्रोफाइल में कुछ चीज़ें नहीं है ठीक, या जिस प्रोफेसर को आप ईमेल कर रहे हो समटाइम उसके पास पोजीशन नहीं होती, समटाइम उसके बैड एक्सपीरियंस होते हैं, तो आप किसी और को ट्राई करो. एक्जेक्टली. अच्छा, फर्स्ट स्टेप ये था कि हमने चाइना का डिसाइड किया. अब हमने ये देखा कि चाइना के अंदर कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें हम अप्लाई कर सकते हैं. तो चाइना के अंदर बहुत से स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन उस वक्त शायद हमें तीन का पता था. एक आंसू स्कॉलरशिप है जो कि USTC और UKS के इंस्टीट्यूट ऑफर करते हैं और इसकी वर्थ तकरीबन 7000 RMB है. और इस केस में मैं आपको बता दूं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ बहुत से लोग ऐसे भी थे कि जो इन इंस्टीट्यूट्स में आए और उनके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं था बट स्टिल उन्होंने आंसू की एक्सेप्टेंस उनको मिल गई. और उनके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं था बट वो PhD कर रहे हैं और ये यूनिवर्सिटीज काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं. जब हम वहाँ गए, हमने चाइना की डेवलपमेंट देखी, हमने चाइना में काम होते हुए देखा, तो हमारा परसेप्शन सारा का सारा चेंज हो गया जो कि पहले कुछ और था. Exactly. तो अब तो बहुत सी और स्कॉलरशिप हैं, जैसे CGS स्कॉलरशिप है, आई गेस SGS स्कॉलरशिप है, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, हर एक प्रोविंस की अपनी स्कॉलरशिप भी है. और मैंने सुना है कि ग्वांगजू में बट जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए ग्वांगजू, तो ग्वांगजू वाली साइड पे या हांगजू वाली साइड पे उनकी काफी यूनिवर्सिटी की अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं जिनकी वर्थ इवन सुना है आंसू से भी ज्यादा है. मुझे इसका एग्जैक्ट आईडिया नहीं है इरफान, शायद आपको इसका आईडिया हो. आई वांट टू ऐड समथिंग हियर, यू नो, मोस्ट ऑफ द नो द नेम ऑफ शंघाई जाओतंग यूनिवर्सिटी, यू नो दैट यूनिवर्सिटी एडजेसेंट. ओके, आई गेट एग्जैक्ट आई टू प्रोनाउंस अबाउट दैट, बट ओके शंघाई जाओतंग यूनिवर्सिटी. ओके, इस नी स्कॉलरशिप है दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 7000 RMB. ओके, और एक और मैं चीज़ आपको बताता हूँ यहाँ पे. आजकल सब सोच रहे होंगे कि आजकल जो है ना, हमने खाली ईमेल करनी, किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना, बट आई वांट टू टेल यू दैट वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज अप्लाई टू तुंगशी और समथिंग लाइक दैट, ओके, मे बी यू हियर द नेम. ओके, यूनिवर्सिटी ऑफर टू टाइम्स स्कॉलरशिप, ओके, इवन फॉर द मार्च इनटेक एंड सेप्टेम्बर इनटेक. और उसका कल ही एडमिशन हुआ है वहीं असद का, जो जानते ही हो. अच्छा. उसका हो गया वहाँ पे. और किसके लिए हुआ है ये? अपना मार्च इनटेक के लिए हो गया एडमिशन वहाँ पे, क्योंकि यहाँ तुमका में उसको पार्शल स्कॉलरशिप मिली थी. तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि हमें चाइना के लिए सिर्फ ना सीजन में वन टाइम वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. दरमियान में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो टू टाइम ऑफर करती हैं और उनकी अपनी स्कॉलरशिप होती है जो कि CSE से ज़्यादा है. एग्जैक्टली. और असल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है ना कि आप अप्लाई तो करो. एग्जैक्टली. अपने डॉक्यूमेंट्स, अच्छा कुछ लोगों को ये भी होता है कि पता नहीं हम डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करें. आपके जो नॉर्मल एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं आप वही यूज कर सकते हैं अप्लाई करते वक्त, कुछ ज्यादा एफर्ट लगाने की. That's something that even a few days ago someone contacted me, he or she is applying for a scholarship and she told me that okay, I don't have a notarized transcript. I said no, you need not a notarized transcript, but you just need to take a picture and upload that. You need not to be do something extra. Then she said they mentioned that we need a medical certificate and something like that, so I have to go for that. I said no, again no need for this, you know. Aur ye aapko China aane ke baad karane hote hain, ye application process mein kuch bhi aisa nahi chahiye hota hai.
तो एप्लीकेशन मटेरियल वेरी सिंपल है, एक ट्रांसक्रिप्ट जितनी की जितनी आ गई आपके पास, ओके इवन आपकी लास्ट डिग्री की अगर ट्रांसक्रिप्ट नहीं भी है ना अप्लाइंग प्रोसेस के दौरान में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं ओप की बेस के ऊपर, लास्ट सेमेस्टर की जो आपके पास होगी ना वो ओप सर्टिफिकेट समथिंग लाइक दैट कहते हैं, उसकी बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा जस्ट इसके अलावा, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, सीवी ऑफकोर्स दैट्स द बेसिक पार्ट। और अब मैं कुछ इरफान बल्कि ऐसा था कि मैंने, क्योंकि हम दोनों का एक्सपीरियंस है और फिर आपका मेरे से ज़्यादा ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस मामले में, तो मैंने ना कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लोगों ने पूछे हुए थे ऑनेस्टली मैंने वो चीज़ें ना कुछ लिख के साथ रखी हुई थी कि जब मैं लाइव सेशन में जाऊँगा तो मैं आपसे भी पूछूंगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये हमारा कम्बाइन लाइव सेशन है। तो एक तो हमने डिसाइड किया कि मतलब हमने जो प्लान किया था जो हम लोगों को बता रहे हैं वो ये था कि सबसे पहले तो माइंड आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं, पर फिर आप किस कंट्री में जाना चाह रहे हैं सबसे पहले तो सिलेक्ट करें, क्योंकि आज का सेशन हमारा चाइना के लिए है, तो इसका मतलब यह है कि आपने अगर चाइना जाना है जिसने भी, तो पहले सिलेक्ट कर ले कि मैंने चाइना जाना है। ओके, अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो उसके पास दो कंडीशन हो सकती हैं, या उसके पास एक्सेप्टेंस है या उसके पास एक्सेप्टेंस नहीं है, तो दोनों केसेस में अप्लाई लाजमी करें। Exactly, ये नहीं है कि अप्लाई नहीं करना, अप्लाई आपके पास एक्सेप्टेंस है तब भी करें, नहीं है तब भी करें। और एक और चीज जो मुझे पता चली, सम टाइम कुछ यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन फी है जो कि पाकिस्तान में रह के देनी थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट मेरा भी एक दोस्त ये तोंजी यूनिवर्सिटी या तोंजी यही मेरे ख्याल में कहते हैं इरफान, ये भी शंघाई में साथ ही है, वहां पे उसका एडमिशन हुआ है और उसने लास्ट मोमेंट पे जस्ट अप्लाई किया और उसकी फीस इवन के मैंने अपने अकाउंट से उस वक्त ट्रांसफर की, ऑल्दो उसने मुझे सेंड कर दिए थे, और उसको एडमिशन मिल गया स्कॉलरशिप यार, अभी वो बड़ा खुश है चाइना में, वो वहां से पीएचडी कर रहा है। तो सम टाइम ये कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक दो यूनिवर्सिटीज में, उन यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर लें जहाँ पे फी पे करके अप्लाई करना होता है, उसमें यह है कि देखें हम 80% लोग तो फी नहीं पे करते, ऐसी है तो कंपटीशन चांसेस ऑफ, तो वहां पे कंपटीशन काफी कम हो जाता है अगर आप फी पे करके भी कर सकते हैं, बट हम 100% नहीं कहते कि ऑब्वियसली एडमिशन हो सकता है नहीं हो सकता है, क्योंकि चाइना ने अब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन भी लगाई हैं जो मुझे पता चला है, क्योंकि अब उनके पास बहुत से फॉरेनर और आ रहे हैं अमेरिकन, उनको इतना ज्यादा वो नहीं समझते जो पहले था, आप लोगों ने उस वक्त उनको लाइट समझा था, वो आपको लाइट समझना एग्जैक्टली अब बड़ा, क्योंकि अब उनके पास ना बहुत अच्छे स्टूडेंट और मोस्टली यूरोप से बहुत स्टूडेंट आ रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन जब वहां गए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है ना उनका, इससे इस ना बहुत से लोग जो शायद चाइना में हैं भी, कुछ लोग तो वो शायद हमारी सेशन को ये समझे कि नहीं ये चाइना को शायद ज़्यादा हाइप क्रिएट करें, बट हर एक बंदे का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, कुछ लोगों का बैड एक्सपीरियंस भी होगा, और उसकी रीज़न ये है कि हम किसी को लेट डाउन तो नहीं कर रहे, बट जब आप ये सोच के जाते हैं कि हमने पीएचडी पार्ट टाइम करनी है और हमारा पीएचडी कोई गोल नहीं है, तो फिर आप किसी भी कंट्री में चले जाओ आपको वो कंट्री वर्स ही लगेगी, और चाइना वाले तो अच्छा खासा काम लेते हैं। तो इरफान, एक तो हमारा था प्लान जो हमने डिस्कस किया, ठीक है, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि अब बहुत से लोगों के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और इंडिविजुअली उनको एड्रेस करना काफी मुश्किल होता है, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर हमने चाइना अप्लाई करना हो तो ये जो ईमेल करनी है उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, और फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि स्पेसिफिक टाइम पे ईमेल करनी चाहिए, और फिर कुछ एक और मैं कंबाइन तीन को क्वेश्चन कर लेता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। सॉरी, पहला बता दो किस टाइम का कह रहे हो, ऐसे ही किस टाइम पे ईमेल स्टार्ट, हां किस वक्त ईमेल करनी चाहिए, किस वक्त, यानी कि डे के हिसाब से पूछ रहे हो या ओवरऑल मंथ के हिसाब से पूछ रहे हो, दोनों चीजें बता दें उसमें आप, दोनों चीजें, एक तो मंथ भी और डे टाइम भी। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मंथ, आई सपोज आफ्टर द मिड ऑफ सेप्टेम्बर, मैं आपको मजे की बात बताऊँ, मेरा प्रोफेसर इस वक्त दो पाकिस्तानी स्टूडेंट को एक्सेप्टेंस लेटर दे चुका है, ठीक है, इस वक्त तक, और ये कब उनके साथ डन कर चुकी जिनकी ईमेल आई थी 10वें महीने के अंदर, ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर सारा फॉल, अभी एक्सेप्टेंस मैं उनको भेज चुका हूँ, मतलब मेरा सुपरवाइजर उनको भेज चुका है, मेरे थ्रू ही वो भेजवाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने तकरीबन मिड ऑफ सेप्टेम्बर से ई मेल स्टार्ट कर देनी है, और ऑलमोस्ट फरवरी की 15 तक, क्योंकि मजे की बात आपको बताता हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ इसकी एक्सेप्टेंस लेटर मुझे फरवरी में मिली थी, आपको भी याद होगा, तो फरवरी के फरवरी तक आप ईमेल कर सकते हैं, ये तो आ गया ओवरऑल स्पेस आ गया, मतलब जिस ड्यूरेशन में आपने कंटिन्यूसली करना है ईमेल करनी है, अब ईमेल कैसी करनी है उस पर तो नेक्स्ट आते हैं। सेकंड टाइम टाइम की आती है, टाइम जोन की, देखें ये जो है ना किसी भी कंट्री में या जनरल सी परसेप्शन, जब आप अपने ऑफिस में आते हो ना
तो आप क्या करते हो, सुबह 9 बजे आते हो, एक कॉमन सी चीज़ है 9-10 बजे, और ये जो पाकिस्तानी नहीं है, ये दूसरे नेशन के लोग हैं, ये सुबह रेगुलर टाइम पे ही आते हैं, और ये आते ही लैपटॉप अपना ओपन करते हैं और इस तरह की चीज़ें चेक करते हैं, और चेक करने के बाद फिर अपने कामों पे लग जाते हैं। तो प्रोफेसर ऑलवेज सुबह आते हैं 9, मेरे प्रोफेसर की ये रूटीन है, वो 9 बजे जो ई मेल आई होती है वो हमेशा शेयर कर रहा होता है, ये वाली 9 मीन पाकिस्तानी 6 AM समथिंग लाइक दैट। तो आपने जब भी ई मेल करनी है तो कोई नहीं, थोड़ी सुबह उठ के नमाज भी पढ़ लीजिएगा 5 बजे 4 बजे 6 बजे उठ के, और उसी वक्त आप ईमेल प्रोफेसर को करें तो एग्जैक्टली उसके इनबॉक्स में सामने पड़ी हुई, क्योंकि देखें एट अ टाइम मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट ईमेल इनको कर रहे होते हैं, और ये जाहिर सी बात है जो ईमेल नीचे चली जाती है सम टाइम वो इग्नोर हो जाती है, चंद चीज़ होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी और टाइम ईमेल करोगे तो आपको एक्सेप्टेंस मिल ही नहीं सकती, बट प्रेफरेबली ये टाइम जोन आपको सेट करना चाहिए पाकिस्तानी तकरीबन 5 बजे से लेकर 6 बजे का टाइम। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे अब इतनी सुबह कैसे उठें और कैसे ईमेल करें, ओबियसली सारे लोग काम कर रहे होते हैं, आफ्टर एमएस भी बेचारों को बहुत काम करना पड़ता है, तो एक सोल्यूशन ये है कि आप अपना लैपटॉप ओपन करें, आप ईमेल शेड्यूल कर लें, तब आप ईमेल लिखें जिस प्रोफेसर को करनी है, लेकिन केयरफुली उस पर टाइम दें, और उसके बाद उसको शेड्यूल कर दें कि इस टाइम पर वो सेंड हो जाए। तो आजकल तो AI के बहुत से टूल्स हैं, तो इट्स अ बेटर ऑप्शन फॉर यू टू शेड्यूल योर ईमेल, तो वो एग्जैक्ट उस टाइम पे उसको पहुंचेगी। और इरफान ने बड़ी अच्छी बात की है, हम ये नहीं कह रहे कि ऑब्वियसली आप बाकी टाइम पे ईमेल ना करें, आप करें बाकी टाइम पे भी ईमेल, बट इस वक्त अगर ईमेल करेंगे तो उसकी स्ट्रॉन्ग लॉजिक ये है कि आप जब इस वक्त ईमेल करते हो तो प्रोफेसर लैपटॉप लेके सामने बैठा होता है, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो आपकी ईमेल को रीड करे। ओके, अच्छा, एक तो हो गया, इरफान ने आपको बता दिया कि एक तो ईमेल ट्रैकर के नाम से, तो आप वो डाउनलोड करके एक्सटेंशन लगा लें अपनी जीमेल पे, बट एक चीज़ का ख्याल रखें, आपको क्योंकि वो पेड होती है, और अगर आप फ्री यूज़ करते हो तो आपको बार बार उसके जो लिंक आता है उसको वहाँ से हटाना पड़ता है, ये ना हो कि आप बस वो एक्सटेंशन लगाएं और उसी तरह ईमेल भेजें, तो प्रोफेसर को भी पता होगा कि ये मेरी ईमेल को ट्रैक कर रहे हैं, जो कि कुछ प्रोफेसर शायद अच्छा नहीं समझते, बट जीमेल ट्रैकर एक अच्छी चीज़ है जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस प्रोफेसर ने आपकी ईमेल को ओपन किया है और कितनी दफा ओपन किया, ये भी आपको आइडिया मिल जाता है उससे, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि एक प्रोफेसर बहुत सी ईमेल रिसीव कर रहा होता है, और बड़ी अजीब सी बात यह है कि आप हमारे कंट्री से लोग ऐसा करते हैं, हाल ही हमारे में अपने कंट्री की बात नहीं कर रहा, ऑब्वियसली मैंने देखा है पाकिस्तानी बहुत लाइक होते हैं, सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलने का चांस होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती, तो जब उनको अच्छा टाइम मिलता है, अच्छा काम करने को मिलता है, तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बट FSC वाला बच्चा भी PhD पोजिशन के लिए ईमेल कर रहा होता है जो कि गलत बात है, और वो प्रोफेसर के पास ना बहुत सी ईमेल्स आई होती हैं, तो आपकी ईमेल वो पढ़ता है या नहीं पढ़ता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसके लिए आप एक ट्रैकर लगा सकते हैं जीमेल का, अगर आप जीमेल से सेंड कर रहे हैं ईमेल तो। ओके, अच्छा, ओके, सो एक चीज़ तो हो गई कि इसमें इरफान ने आपको बता दिया कि स्पेसिफिक टाइम क्या है, अगर आप उस टाइम पे कर सकते हैं तो इट्स गुड फॉर यू, अदरवाइज आप किसी भी टाइम पे ईमेल कर सकते हैं, और नंबर टू उसने मंथ भी आपको बता दिया कि आप सितंबर से ऑनवर्ड अगर स्टार्ट करें तो फरवरी तक जा सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, स्पेशली अगर आप आंसू के लिए जाना चाह रहे हैं तो आंसू या USTC और UKS के लिए तो उनकी 15 फेब लास्ट डेट होती है मोस्ट प्रोबेबली, और कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती, तो उसमें आपको थोड़ा सा पहले करना पड़ता है, बाकी आप फैब तक कर सकते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मुझे मिली इरफान से कि आप इवन कि 2 सेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने एक सितंबर इनटेक के लिए करना है, आप मार्च इनटेक के लिए भी कर सकते हैं, सो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये भी ऑफर करी, आई गेस ये यूनिवर्सिटीज़ कुछ शेंजन में है, शेंजन जिसको कहते हैं, शेंजन वो यूनिवर्सिटीज़ भी ये चीज़ें ऑफर कर रही हैं, और एक और टोंची, हाँ टोंची हो गई। अच्छा, एक और चीज़ इरफान मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ई मेल लिखते वक्त आई गेस समटाइम ये होता है कि आजकल कुछ लोग तो जो ग्रामर या बहुत कॉम्प्लेक्स इंग्लिश लिखते हैं चाइनीज के लिए तो आप क्या समझते हैं कि नॉर्मल इंग्लिश होनी चाहिए, क्लियर मैसेज होना चाहिए? I suppose it should be very simple. It should be very simple because see, Chinese professor English is, you know,
actually not a very good. Okay, they are always like to speak in Chinese or something like that. Even my professor, I want to tell you that he spent like 2 years in New Zealand and 1 year in UK and something like that. And he have a lot of international collaboration, but he still facing difficulty while, you know, speaking in English. And even in writing, whenever his student, you know, going to submit paper, he mainly sent to me that, okay, just review it, you know. So simply, आपने उनको कंफ्यूज नहीं करना है और वो इंप्रेस नहीं होने वाले आपकी अच्छी इंग्लिश से लिखने वाले, वो इस चीज से इंप्रेस होंगे कि आपकी प्रोफाइल उसके साथ कैसे लिंक की है, उनको इससे कंसर्न नहीं आपने कितने वर्ड अच्छे लिखे हैं. इवन चाइना, आई मस्ट से दैट इवन फॉर अदर कंट्रीज टू, यू शुड बी वेरी सिंपल, यू नीड नॉट लाइक अ वेरी लाइक आई वोकैब, यू नो, बिकॉज़ देयर नीड नॉट एनी इंग्लिश स्टूडेंट, यू नो, एस्पेशली फॉर द केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और बायोलॉजी, समथिंग लाइक दैट. सो यू शुड बी वेरी सिंपल एंड प्रिसाइज, आई सपोज. एग्जैक्टली. अच्छा, इस पे ना मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ. एक तो जो आपने पहले कहा था ना, मुझे एक चीज़ याद आ गई. अच्छा, जब आप सबसे पहले तो ये कि आप ईमेल करते हो. अच्छा, अब आप डिसाइड करते हो कि ईमेल करनी है, तो जैसे इरफान ने आपको बताया कि आप सिंपल इंग्लिश यूज़ करो, जो सबसे बेस्ट पार्ट है. और ईमेल में मेरे ख्याल में दो तीन जो पैराग्राफ हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. एक, अच्छा उसमें भी ना, अब मुझे ये लगता है कि तीन के बजाय दो पैराग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इरफान शायद इसमें अपनी रोशनी डाल सकेंगे. इससे पहले हमें लगता था कि एक आप अपना इंट्रोडक्शन लिखें कि आप हैं कौन और आपने क्या किया है, फिर अब आप उस प्रोफेसर की आपने पब्लिकेशन पढ़ी है, पब्लिकेशन पढ़ने के बाद आपको पता चला कि उसकी रिसर्च किस किस तरह की है और क्या क्या रिसर्च के गैप्स हैं, तो आपने वो लिखे. और फिर थर्ड पार्ट में आपने अपनी रिसर्च को या अपने आप को उस प्रोफेसर की फील्ड के साथ कंपैटिबल बनाया, लाइक हाउ यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दैट पोजीशन. ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, जो कि अब मुझे लगता है कि इसके बजाय दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आपने अपना इंट्रोडक्शन सीवी में लिखा होता है तो जस्ट नेम इज एनफ. उसमें आप अपना CGPA और बाकी चीजें बेशक ना बताएं, जस्ट आप एक पैराग्राफ लिखें जिसमें एक बड़ी अपीलिंग सी स्टेटमेंट हो, और वो तभी आएगी जब आप प्रोफेसर के 4 से 5 रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ेंगे. और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने नहीं आते. ओके, ये आप देखें, जब आप अच्छे रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना, एक तो ये है कि आपको अच्छे रिसर्च आर्टिकल्स पेड मिलते हैं, तो पाकिस्तान में तो एक्सेस नहीं होती, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनको वो आर्टिकल उसके लेटेस्ट जो भेज सकते हैं भेजें, वो आपको डाउनलोड करके देंगे. क्योंकि साई हब में 2021 के बाद आप कोई भी पेपर डाउनलोड नहीं कर सकते. साई हब इज इलीगल साइट जहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते थे, बट 2021 के बाद आपको कोई पेपर वहाँ से नहीं मिलेगा. तो अगर आप रिसेंट पब्लिकेशन देखना चाह रहे हैं तो आप उसका DOI नंबर कॉपी करें और किसी दोस्त को भेज दें अपने, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो बाहर होते हैं तो वो आपको डाउनलोड करके दे देंगे. अच्छा, जब आप पेपर पढ़ते हो ना, तो एब्स्ट्रैक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और एक लेमैन बंदा, एक आम सा बंदा, बेशक आपने रिसर्च की होती है, MS किया होता है, बट आपको एब्स्ट्रैक्ट समझ नहीं आता एकदम से, तो उसके लिए आई विल सजेस्ट यू गाइस कि आप पेपर 3 से 4 पढ़ें, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ें और इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश करें कि वो बंदा क्या कह रहा है. और इसके लिए जो पेपर फॉलो करें वो एगवान्ते के पेपर फॉलो करें, जैक्स के पेपर फॉलो करें, या नेचर के सब आर्टिकल, नेचर कम्युनिकेशन हो गया, या इवन ऑर्गेनिक वाले OL ऑर्गेनिक लेटर को फॉलो कर सकते हैं. क्योंकि इसमें ना एग्जैक्ट चीज़ लिखी होती है इंट्रोडक्शन के अंदर, जिसमें वो पहले प्रॉब्लम को बताते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, फिर किस किस लोगों ने किस किस तरह का काम किया और हम क्या करना चाह रहे हैं, और फिर वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताते हैं और फिर उसकी मेथोडोलॉजी बताते हैं. तो ये चीज़ें इंट्रोडक्शन में इंक्लूड होती हैं और इसी का एब्स्ट्रैक्ट उनने बनाया होता है. लेकिन आप जब एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो समटाइम आपको समझ नहीं आती. तो अगर आप कुछ 10 से 15 पेपर का इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी पेपर का एब्स्ट्रैक्ट देखेंगे जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होता है, तो आपको समझ आ जाएगी कि इस पेपर के अंदर क्या क्या मटेरियल है. और जब आप पेपर पढ़ते हो और आपको प्रॉब्लम का पता चलता है, तो आजकल AI के टूल्स हैं, आप उस AI के टूल में मेंशन करें कि ये रिसर्च है, तो इसमें बताओ गैप्स कौन कौन से हैं और उन गैप्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. तो वो आपको ऑब्वियसली, मैं ChatGPT को इतना फॉलो नहीं करता और पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता, बट ये है कि इट्स अ गुड वे टू सर्च एनीथिंग.
तो आप वो रिसर्च गैप देखें, अब ये ना करें कि बस जो चैट जीपीटी ने बताया वही उठा के लिख के प्रोफेसर को भेज दिया। अब आप बैठें उस वो जो रिसर्च गैप है उनको पढ़ें कि ये क्या क्या चीजें और आपके माइंड में क्या आता है कि उनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। जस्ट ये चीज लिख के अगर प्रोफेसर को आप ईमेल करेंगे ना और प्रोफेसर ने आपकी ईमेल पढ़ ली, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा, वो 100% आपको रिप्लाई करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि ये जो बंदा या बंदी ईमेल कर रही है इसको मेरे ग्रुप का पता है, मेरे ग्रुप में क्या क्या काम हो रहा है ये भी इसको पता है, ये ग्रुप के अंदर ये गैप्स है मेरी रिसर्च में और ये इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो उनको तो इस तरह का स्टूडेंट चाहिए होता है। बट इसके लिए फिर ये है कि आपको एक एक प्रोफेसर पे तीन तीन चार चार दिन लगाने पड़ेंगे, तो इसमें शायद इरफान अगर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। इसके अंदर ना मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि एक्चुअली ना स्टूडेंट बाद का समटाइम ये करते हैं कि किसी प्रोफेसर का अगर उन्होंने कोई पेपर पढ़ा है ना जो कि उनको लगा कि ये हमारे काम से रिलेटेड है या इसका रेफरेंस ऐड करना चाहिए, वो क्या करते हैं नीचे पीडीएफ में सीवी के साथ ना नीचे वो पेपर भी उठा के ऐड कर लेते हैं पीडीएफ, उस पर तो खुदा ये रैम खाइए और वो लिंक अपना निकाल, उसने पेपर खुद पब्लिश किया, उसको पता है मेरे पेपर में क्या क्या है, सो यू नीड नॉट टू बी यूज। और मैंने ना ये कहा, मैंने खुद तो खैर ऐसा स्टूपिड काम नहीं किया, बट आई सा यू नो प्रोफेसर इन यूएसए ही एक्चुअली कंप्लेन अबाउट दैट थिंग, यू नो ही क्लियरली सी दैट के ये हमने खुद ही पेपर पब्लिश किया है, ओके वी आई माई सेल्फ पब्लिश दिस पेपर, सो आई नो दैट, ओके यू जस्ट नीड टू पेस्ट इस लिंक, यू नीड नॉट ऐड अ यू नो पीडीएफ, सो इस पे केयरफुल रहने हैं, बाकी आई थिंक आप। अच्छा एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें रिव्यू कर रहा था तो मैंने देखा कुछ लोग ना अपना जब प्रोफेसर को ईमेल करते हैं तो वो पीडीएफ में अपनी सारी हिस्ट्री भेज देते हैं, तो प्लीज ऐसा मत करें, आपकी जस्ट सीवी इज मोर देन इनफ, और अगर आप सीवी के अलावा कोई चीज भेजना चाह रहे हैं, कैन यू प्लीज जस्ट एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय द पीडीएफ हिस्ट्री, आई मीन व्हाट इज हिस्ट्री, किस एक्चुअली मैं मेंशन नहीं करना चाह रहा, बट आई सॉ वन ईमेल एंड ही और शी सेंट ऑलमोस्ट एवरीथिंग to that professor, starting from matric, FSC, BSC, MSc, MPhil, then I guess usne kuch diplomas kiye the alag alag, wo sare bheje, like jab wo email forward usne mujhe kiye na, to maine jab wo dekha to 20 attachments the, to do you think ke koi banda usko, like mujhe usko gussa aaya ki matlab ye kya ho raha hai, तो डू यू थिंक कि कोई इसको ओपन करेगा। मेरे ख्याल में देखें एक चीज को ना, ये जो बार बार हम भी अभी अगर डिस्कशन कर रहे हैं और मैं और इरफान अगर कोई चीज बार बार रिपीट करेंगे ना, तो जो लिसनर है उनको बड़ा बुरा लगेगा, ऐसे ही चीज पहले बता दी फिर दोबारा वही बता रहे हैं। तो एक चीज जब आपने सीवी में मेंशन कर दी कि आपके पास ये चीजें हैं, तो फिर आप क्यों वो सारी चीजें दोबारा भेज रहे हैं, और अगर कोई रेलिवेंट चीज है, फॉर एग्जाम्पल सम टाइम कुछ प्रोफेसर आपको कह देते हैं कि हम आपका ट्रांसक्रिप्ट या कोई चीज देखते हैं, तो आप जस्ट अपना लास्ट डिग्री का जो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है अगर है तो भेज सकते हैं, अदरवाइज मैं वो भी रेकमेंड नहीं करता, सीवी इज मोर देन इनफ, क्योंकि आपने जो ईमेल और ये जो कवर लेटर होता है ना इरफान, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि वो ना सीवी जब ईमेल करते हैं तो ईमेल में भी वो सारा डाटा लिखते हैं और कवर लेटर अलग से बना के उसमें भी लिख के भेजते हैं, तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जब आपने ईमेल करते हुए वो चीज लिख दी है ना, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको दोबारा अलग से कवर लेटर बना के वो भी अटैच करना चाहिए। ओके तो एक ईमेल लिखें कॉम्प्रिहेंसिव सी, और जब आप कोई भी आप खुद देखो ना, जब आप एक दफा ईमेल करोगे एक दफा लिखोगे अच्छी नहीं होगी, दूसरी तीसरी दफा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी ईमेल जब आप देखोगे तो आपको खुद देखेगा हाँ ये ईमेल अट्रैक्टिंग ईमेल है, आई कैचिंग ईमेल है। ओके सो कैन आई मेक अ सम कंक्लूजन, आई मीन व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सेंड अ ईमेल टू अ प्रोफेसर, यू जस्ट नीड टू ऐड और अटैच योर सीवी, यस, एंड एनी थिंग मे बी लास्ट डिग्री ट्रांसक्रिप्ट और यू नीड नॉट टू इवन ऐड दैट, यस, अगर अगर आपके पास है आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो कर दें, अदरवाइज उसकी भी जरूरत नहीं है। ओके ओके सो द मोस्ट फोकस योर मस्ट बी लाइक जस्ट योर आई मीन सीवी, ओके यू नीड नॉट टू ऐड एनी सॉर्ट ऑफ लाइक रिसर्च प्रपोजल, ओके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कवर लेटर और एनी सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग, नो ये हां मैंने देखा है कुछ लोग मोटिवेशन लेटर, कवर लेटर, एसओपी, ये सारी चीजें ईमेल के साथ सेंड कर रहे होते हैं, और मैं हैरान होता हूं कि देखें आप खुद बैठ के सोचें कि एसओपी है क्या, मोटिवेशन लेटर है क्या, जब आपको कोई पोजीशन के लिए वो कहते हैं कि ये पोजीशन है
या कोई एडवर्टाइज पोजीशन होती है या आपने एक जगह एडमिशन लेने हैं, वो उसके बारे में आपसे पूछते हैं, तो आप लिखते हैं। आप ऐसे कैसे SOP ईमेल एक या मोटिवेशन लेटर एक लिखा और वो सबको आप भेज रहे हैं, तो वो कैसे ठीक होगा? मुझे ये चीज अभी तक समझ नहीं आई। Can I ask you one more question? I mean, यस whenever ऑब्वियसली। write a email address, okay? In email address, people are writing that, okay, I am, for example, if I am Irfan Abbasi, I did my MPhil in chemistry back in 2022 from Qadir University, Istanbul. And the QS ranking of Qadir University 341 or something. I'm because one day my professor, sent me a CV and complete email. He told me that. And I saw that student mention ranking of his university that was almost near to 8 and 9, and I said, why you are going to mention that? Did not. अच्छा, असल में पता है क्या है? ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट इरफान ने मेंशन की है। आप MIT से नहीं हैं, आप स्टैनफोर्ड से नहीं Yeah, हैं, that's the point. That's the point. आप मैकगिल से नहीं हैं कि लोग आपको जानते हैं, ठीक है? आप Exactly. कोई नहीं किसी को जानता नहीं हूँ. पता। आप पाकिस्तान में, मैं तो ये समझता हूँ पाकिस्तान में वैसे एक हाइप क्रिएट किया हुआ है, हम दोनों कायदियन हैं, तो स्पेशली Exactly. ये ना मिथ है, स्पेशली वो ना एक जो गुरूर सा होता है जिसको कहते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ईगो सी होती है कि हम कायदियन हैं और बाकी कुछ भी नहीं है। बिलीव करें, जब आप पाकिस्तान से बाहर ईमेल करते हैं तो मोस्टली उनको बस ये पता होता है कि स्टूडेंट पाकिस्तान से है, उनको नहीं पता होता है कि आप कायद अजम से हैं तो कायद अजम कैसी यूनिवर्सिटी है, आप इवन लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी से हैं तो वो कैसी यूनिवर्सिटी है, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट एक ईमेल करता है, उसको ईमेल लिखने का तरीका पता है और वो एक प्रोजेक्ट को अप्रोच करता है और प्रोफेसर को उसकी ईमेल अच्छी लगती है, तो वो उसको एडमिशन दे देंगे, कायदियन को नहीं देंगे। सो ओके डिपेंड ये करता है कि आप जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप किस तरह से उसके लिए अप्लाई कर रहे हो। तो काइंडली बिल्कुल इरफान, ये आपने अच्छा किया। ये चीज में असल में फोकस करना चाह रहा था कि सम टाइम ये भी है कि मुझे आजकल ये लगता है कि बस आप ये लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आजकल ईमेल करूं किसी को, तो मैं बस इतना लिखता हूं कि आई एम एनीस बाबर एंड आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोजिशन एक ओके पर्टिकुलर, ये मेरा ओके इंट्रोडक्शन होता है। क्यों? कि मेरा सब कुछ CV में लिखा हुआ है, तो मैं वो सारी एग्जैक्टली चीजें यू रिपीट क्यों करूं? Exactly. Exactly. You need not to mention even that I am from this and I did MPhil back in this year and like that and from this university and ranking is this. You can mention about your previous research background a little bit, like thesis title maybe. Even the thesis title is also present in your CV, but still you can add, okay? Yes. And rest of the body, like why I want to join your lab. That is most important, I दो suppose. बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन एंड एग्जैक्टली हाउ यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन। फॉर दिस अगर इन दो पोजीशन क्वेश्चन का आप आंसर करते हो, इट बी मोर देन इनफ। इवन ये एग्जैक्टली है कि आप, मुझे तो ये भी लगता है कि अगर आप ये दो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हो, आप CV नहीं भी भेजते ना, आप CV भेजना भी भूल जाते हो, लेकिन आपने एग्जैक्टली उसके काम में गैप निकाल के बताए और आपने बताया कि मेन गैप को ऐसे ऐसे कवर कर सकता हूँ। जो रिसर्चर है ना, जब आप उससे उसके रिसर्च में क्वेश्चन उठाते हो ना, तो उसको बुरा नहीं लगता। एग्जैक्टली वो उसको लगता है अच्छा हाँ, ये वाला बंदा भी अगर मेरी फील्ड में आएगा ना, मेरे ग्रुप में आएगा, तो हम कुछ नया डेवलप कर लेंगे। तो एग्जैक्टली ऐसे ये चीज अगर आप करते हो तो वो तो फौरन आपको रिप्लाई करेंगे, क्योंकि देखें आप पाकिस्तान से हर, आप नहीं अप्लाई कर रहे। मैं बल्कि इरफान से बात कर रहा था कि हम लोग ये सेशन थ्रू आउट इंग्लिश में करते हैं, इट्स वेरी इजी फॉर अस टू स्पीक इंग्लिश, बट हम ये नहीं चाह रहे कि हम बस इंग्लिश बोल के ये बताएं कि हम इंग्लिश बोल सकते हैं। हर एक बंदा इंग्लिश बोल सकता है, और उसकी रीज़न ये थी क्योंकि हमारे कुछ फेलोज हैं जो कि साउथ अफ्रीका से हैं, कुछ बाकी डिफरेंट कंट्रीज से हैं, तो वो भी हमें टेक्स्ट करके ये पूछते हैं कि आपने जो सेशन किया है या आप हमें इस चीज़ के बारे में बताएं, तो उनको उर्दू समझ नहीं आ रही होती। तो इसलिए आई विल सजेस्ट यू इरफान, इफ इट इज इजी फॉर यू देन ऐड सम सबटाइटल इन इंग्लिश। आप वो AI के टूल से कर सकते हो, क्योंकि मेरे कुछ मुझे टैक्स रिसीव हुआ है अभी भी, एक ओके सेनेगल से है कोई एक, तो हाँ, तो वो लोग भी ना इस चीज। जी, वी कैन गो फॉर अनदर सेशन बिकॉज़ सी we will have a time in future too, so at that moment we can go in English, so we will guide them again and again. Okay, that's not a big ओके problem. ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, वी विल डू दैट लेटर। सो अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे ईमेल के बारे में। तो ये चीज़ अगर आप कर लेते हो ना, जो भी हमने आपको बताया कि आप बस अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन दें, आप उसका काम
जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना तो आपको उसके काम का नहीं पता चलेगा। जब आप समझ लेते हो उसका काम तो फिर आप उसका सोल्यूशन भी बता सकते हो, और जब आप सोल्यूशन बताते हो तो एक्चुअली आप अपनी बैकग्राउंड को रिलेट कर रहे होते हो कि मैंने ये काम किया और इस तरह से मैं इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप पहले आपने बताया वो क्या कर रहे हैं और उसमें गैप क्या है, और सेकंड ये जो आखिरी पैराग्राफ होगा उसमें आपने ये बताया कि आप किस तरह से सूटेबल कैंडिडेट हो, जिसमें आप अपनी रिसर्च बैकग्राउंड को भी मेंशन करते हो। तो आई गेस ईमेल में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। ओ अच्छा इरफान, अब ना थर्ड क्वेश्चन मेरा आपसे है कि ये अच्छा कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं, वैसे चाइना में ऐसा भी है कि मैंने देखा है कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च प्रपोजल मांगती हैं, कुछ नहीं भी मांगती। जैसे कि जब मैंने एडमिशन लिया था तो ऑनेस्टली मुझे प्रोफेसर ने रिप्लाई किया और उसने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दिया और उसने कहा आप तुम अप्लाई करो। तो उसने मुझे नहीं कहा कि आप रिसर्च प्रपोजल बनाओ, ये करो वो करो, क्योंकि ऑलरेडी उसके साथ एक काम हो रहा था। तो फिर मैंने उसे डिस्कस किया कि क्या मैं रिसर्च प्रपोजल कोई बना के ऐड करूँ, तो उसने कहा इट्स ओके, तुम कुछ भी ऐड कर सकते हो, कोई भी प्रपोजल। बट कुछ यूनिवर्सिटीज मांगती हैं रिसर्च प्रपोजल ना, तो आपका इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या कहना चाहोगे? आई वॉन्ट टू मेक टू थिंग्स वेरी क्लियर. First, there is difference between these two things. If your professor, I mean the professor who want to give you an acceptance letter, and he is saying that you need to give me a research proposal, then be very careful, because he will judge you based on your this research proposal. But if you are, you know, trying to prepare a research proposal that you want to, you know, upload on the university portal or maybe the CSE scholarship portal, you need not to be too much worry about it. That can be the generic. You देखो जब ये जो आपका स्कॉलरशिप का जो वो होता है ना, जिसके ऊपर सी एस सी पे लेट्स पोज है और वो आपने रिसर्च प्रपोजल अपलोड किए हुए, वो आपका बंदा जो अगर रिव्यू कर रहा होता है, नॉर्मली नहीं है कि वो आपके सब्जेक्ट का बंद हो, तो उस पर इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। उसमें सिर्फ आपने सिंपल लैंग्वेज में ऐसे डिस्कस करने हैं प्रॉब्लम को कि ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि कैंसर, जैसे मैं केमिस्ट्री का हूँ, मैं अगर करूँगा तो कहूँगा कि कैंसर के सोल्यूशन के लिए बहुत सी मेडिसिन बन रही हैं, ठीक है, उसमें से एक आजकल न्यू टेक्निक आ रही है फोटो सेंसिटाइजर, ओके, फोटो डायनामिक थेरापी। तो मैं कहूँगा फोटो डायनामिक